दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप YouTube पर अपने YouTube चैनल पर कैसे वीडियो अपलोड कर सकते हो क्रोम ब्राउज़र की मदद से। क्योंकि दोस्तों YouTube ने अपने YouTube सेटिंग में काफ़ी चेंजेस कर दिए हैं, जिससे जो न्यू यूट्यूबर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो वीडियो कैसे अपलोड करें और उनको क्या क्या प्रोसेस करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे यूट्यूब पर जाना है। यहाँ पे आके आपको इसे डेस्कटॉप मोड पर करना है। अब आपको अपने चैनल के लोगो पे क्लिक करना है जो कि राइट साइड में आ रहा है। फिर से आपको यहाँ पे योर चैनल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है वीडियो का, जो कि वीडियो का एक लोगो बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, गो लाइव अपलोड वीडियो, तो आपको वीडियो अपलोड करनी है तो इसलिए आपको ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, यहाँ से आपको अपनी फाइल को सिलेक्ट करना है जो कि आपने वीडियो बना के तैयार रखी हुई है। आपकी वीडियो कहाँ पर रखी हुई है आपको फाइल में आके उसे सिलेक्ट करना है। तो मेरे पास अभी कोई वीडियो नहीं है जो कि मैं यहाँ पे शेयर कर सकूँ, तो इसलिए मैं फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी वीडियो ले लेता हूँ। अब मेरी वीडियो अपलोड हो रही है, आप देख सकते हैं। अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, तो सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है डिटेल का, आपको यहाँ पर अपनी वीडियो का टाइटल लिख लेना है। जिस भी टॉपिक पर आपने वीडियो बनाई है उसका डिटेल, जिसे हम टाइटल बोलते हैं, वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो दोस्तों मैं सिर्फ एक आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर टाइटल लिखने के बाद आपको नीचे दूसरा ऑप्शन आ रहा है डिस्क्रिप्शन का, आपको यहाँ पर अपनी वीडियो के बारे में लिखना है। जिस भी टॉपिक पर आपने वीडियो बनाई है तो आपको उस वीडियो के बारे में लिखना है कि आपने उसमें क्या क्या बताया है और क्या क्या दिखाया है। कुछ भी लिख सकते हो आप, जितना ज़्यादा बड़ा लिखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अब उसके नीचे ऑप्शन आ रहा है थंबनेल का, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पर थंबनेल पर अपलोड थंबनेल पर क्लिक करना है और अपना थंबनेल सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पर भी आपने बना के रखा हुआ है। अब इसके नीचे ऑप्शन आ रहा है प्लेलिस्ट का, तो आपको यहाँ से अपनी प्लेलिस्ट सेलेक्ट करनी है। तो मैं सिर्फ एक ही टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ टेक्नोलॉजी पर, इसलिए मेरी यहाँ पर एक ही प्लेलिस्ट है। आप अगर अलग अलग कैटेगरी में वीडियो बनाते हो तो आप यहाँ से न्यू प्लेलिस्ट बना सकते हो और उसको सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपके पास मोर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से ये पूछ रहा है कि आपने ये वीडियो बनाई है क्या वो बच्चों के लिए है या नहीं। तो अगर बच्चों के लिए है तो आपको इस पर क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। तो चलिए मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। अब यहाँ से पूछ रहा है कि आपकी वीडियो 18 साल से कम लोगों के लिए है या नहीं, तो आपको नो पे क्लिक कर देना है क्योंकि हमारी वीडियो कोई भी देख सकता है, इसलिए नो। अब आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट का, दोस्तों आपने जिस भी टॉपिक को वीडियो बनाई है तो आप उसके बारे में, आप खुद किसी की वीडियो देख रहे हो किसी फ़ोन के बारे में, तो आप यूट्यूब पर उस वीडियो को किस नाम से सर्च करोगे तो आप अपने दिमाग से उस वीडियो को टेक्स्ट बना सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने किसी फ़ोन के बारे में देखा कि बढ़िया फ़ोन कौन सा है, तो कोई भी बंदा अगर कोई बढ़िया फ़ोन देखेगा तो वो यूट्यूब पर किस नाम से लिखेगा, किन किन तरीके से लिख सकता है, वो सारे तरीके यहाँ पर टेक्स्ट में लिख देने हैं। एक तरीका लिखने के बाद आपको कॉमा लगाना है, फिर दूसरा तरीका स्टार्ट करना है। इस तरीके से आपको कई बार लिखना है। अगर आप बिना कॉमा के लिखोगे तो वो एक ही बन जाएगा, इसलिए आपको एक टेक्स्ट लिखने के बाद एक कॉमा लगाना है और दूसरा स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है लैंग्वेज का, इसको आप स्किप कर दो। इसके नीचे ऑप्शन आ रहा है रिकॉर्डिंग डेट एंड लोकेशन का, तो आप यहाँ पर पहले ऑप्शन में आज की डेट लिख दो और दूसरे में अपनी लोकेशन डाल दो। आप यहाँ पर इंडिया लिख सकते हो। इसके बाद जो ऑप्शन आ रहा है लाइसेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आपको यहाँ पर दोस्तों दो ऑप्शन दिखेंगे, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस और क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन। तो आपको यहाँ पर दूसरे वाले पे क्लिक करना है क्योंकि अगर आप ऊपर वाले पे क्लिक करोगे तो कोई भी बंदा आपकी वीडियो को डाउनलोड नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ आपकी वीडियो को वॉच कर सकता है और शेयर कर सकता है लेकिन डाउनलोड नहीं कर सकता, इसलिए आपको दूसरे वाले को चूज़ करना है क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन को।
उसके बाद नीचे आता है ऑप्शन कैटेगरी का, तो आपकी वीडियो कौन सी कैटेगरी में आती है आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं वीडियो बनाता हूँ टेक की, तो मेरी वीडियो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आती है। अगर आप वीडियो बनाते हो कॉमेडी की, एंटरटेनमेंट की, आपकी वीडियो जो भी कैटेगरी की हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको नीचे कुछ नहीं करना है और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है आपको जो स्किप कर देना है, क्योंकि ये आपको मैं बाद में बताऊँगा, ये कोई ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर से आपको नीचे आके नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आपको अपनी वीडियो किन किन लोगों को दिखानी है। आपको अपनी वीडियो प्राइवेट रखनी है। अगर आप अपनी वीडियो प्राइवेट वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करते हो तो आपकी वीडियो सिर्फ वही देख सकता है जिनको आप इस वीडियो का लिंक शेयर करोगे, और कोई भी व्यूअर, कोई भी यूट्यूबर जो बंदा है वो आपकी वीडियो को नहीं देख पाएगा। अगर आप दूसरे वाले ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो आपकी वीडियो कोई नहीं देख पाएगा आपके सिवा, लेकिन आपको अपनी वीडियो यूट्यूब पर सभी को दिखानी है तो आप तीसरे वाले ऑप्शन सेलेक्ट कर दो। पब्लिक को आपको तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब जो ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे पब्लिश पर क्लिक कर देना है। इस पर जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपकी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी और आपकी वीडियो हर कोई देख सकेगा। दोस्तों, आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया हो, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है वो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको किसी और टॉपिक का वीडियो चाहिए जो कि आपके काम के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप मुझे कमेंट में नीचे बता दो, मैं उसी टॉपिक पर अगली वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो आपको? मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और काफ़ी हेल्प मिली होगी मेरी वीडियो से आपको। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।